नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, गीता सिंह गौर के करोड़पति बनने के बाद मंडी हिमाचल प्रदेश के अनिल कुमार गुप्ता ट्रिपल टेस्ट को जीतकर सोनी टीवी के क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 13 की हॉट सीट पर बैठे। अनिल कुमार ने मंगलवार के एपिसोड में 10,000 रुपये जीत लिए थे। इस सफर में उन्होंने अपनी एक लाइफ लाइन खर्च कर डाली थी, वह कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट थे। इस खेल की शुरुआत करने से पहले एक वीडियो द्वारा अनिल कुमार के बारे में दर्शकों को और जानकारी दी गई। केबीसी में शामिल हुए अनिल कुमार गुप्ता पेशे से एक बिजनेसमैन है, उनका केबल का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि बचपन से उन्हें और उनके परिवार को टीवी देखने का बड़ा शौक था और इसलिए उन्होंने अपने इस बरसों के शौक को रोजगारी में तब्दील किया। पूरे मंडी शहर में अनिल कुमार के केबल के सब्सक्राइबर्स है। उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस शहर में सभी उन्हें पहचानते हैं, इसलिए कभी भी केबल का भुगतान न करने पर वह किसी का कनेक्शन नहीं काट सकते। जब अमिताभ बच्चन ने मंडी का नाम सुना तब उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए कई बार उन्होंने इस शहर के आगे तक का सफ़र तय किया है। यह सुनकर अनिल कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है, जब अमिताभ बच्चन उनके शहर शूट करने आए थे उस दौरान उन्होंने बिग बी से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी थी कि उनकी अमिताभ बच्चन से मुलाकात नहीं हो पाई। अमिताभ बच्चन ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमें मिल सकते थे। 12,50,000 के लिए अनिल से पूछा गया सवाल यह था। भारत चीन युद्ध के बाद अगस्त 1963 में लोकसभा के इतिहास में उसके पटल पर सबसे पहला अविश्वास रखने वाला नेता कौन था? इसके चार ऑप्शंस थे, ए कैलाशनाथ काटजू, बी जे बी कृपलानी, सी आर आर दिवाकर, डी यू एन डेबर। लाइफलाइन खत्म होने की वजह से अनिल ने बिना रिस्क लेते हुए 6,40,000 रुपये के साथ खेल को क्विट करने का फैसला ले लिया। 12,50,000 के लिए पूछे गए इस सवाल का सही जवाब था बी जे बी कृपलानी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अनिल कुमार के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।